प्रदेश में आज जाट आरक्षण और अपनी मांगों को लेकर जाट समुदाय का 19वां दिन है और अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति जिसके तहत यह आंदोलन चलाया जा रहा है वो दो फार होती नजर आ रही है। सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष मूलचंद दहिया के साथ जाट नेता राजेश दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री को जाट आरक्षण के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला लेने का निवेदन किया और यशपाल मलिक पर निशाना साधा और कहा कि अगर यहाँ कोई झगड़ा हुआ है तो वो यूपी भाग जाएगा। सरकार को गिराने में हमारे कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल भी चाहते हैं कि यहाँ उपद्रव हो और सरकार करे जिससे उनको बेनिफिट हो। हमारे जाटों को